इसे बिंडाबना कहें या कुछ और, देश में दुष्कर्म और दरिंदगी करने वाले जो दोषी तत्काल फांसी पर लटका दिए जाने चाहिए, वो आए दिन नए नए कानून का हवाला देकर अब तक बचते जा रहे हैं और देश में एक के बाद एक बेटी इन दरिंदों का हवस का शिकार होती जा रही है। आए दिन कोई ना कोई मामला सामने आता रहता है। गौर हो कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्वाति मालीवाल पिछले 11 दिनों से अनशन पर बैठी हुई हैं। स्वाति से मिलने जब निर्भया की मां पहुंची तो उनका दर्द आंसुओं में झलक गया। उनका कहना है कि मेरी बेटी को उन दरिंदों ने मार डाला, मैं भी देखना चाहती हूं कि कब तक फांसी उन्हें मिलेगी या नहीं। ये कहना है निर्भया की मां का। राजघाट स्थित समता स्थल पर आमरण अनशन कर रही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से मिलने पहुंची निर्भया की मां और निर्भया की मां ने सरकार को पत्र भी लिखा था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को इस मामले में मौन धारण करने को शर्मनाक बताया था। उन्होंने कहा कि इस देश में महिला सुरक्षा पर कोई कुछ नहीं कहता है। उनकी बेटी के कातिल कोर्ट में रोज अपील करते रहते हैं और कभी कोर्ट में तो कभी सरकार, फिर कभी राष्ट्रपति। ऐसा लगता है जैसे भारत का कानून दोषियों को ही हर अधिकार देता है, पीड़िता या उसके परिजनों को नहीं। दुख इस बात का है कि आप चिल्लाते रहो, भूखे रहो, लेकिन सिस्टम वही रहेगा। यही सिस्टम कभी नहीं बदलने वाला। ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। इसे सिस्टम को देखने के लिए स्वाति मालीवाल अनशन पर बैठी हैं तो सरकार का रवैया देख लो, उनके पास फुर्सत ही नहीं। स्वाति मालीवाल 3 दिसंबर से आमरण अनशन पर हैं। उनकी मांग है कि दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 6 माह के भीतर ट्रायल पूरा कर दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। आमरण अनशन की वजह से उनका वजन करीब 6.3 किलोग्राम कम हो चुका है। बीते दिनों जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो ब्लड प्रेशर 90 और 70 पाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि स्वाति मालीवाल का ब्लड प्रेशर लगातार गिरता जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से अनशन तोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल बहुत जुझारू महिला हैं और उनकी सेहत को लेकर हम सभी चिंतित हैं। उनके अनशन पर अब तक काफी बेहतर परिणाम सामने आए हैं।